एक दानिश्वर कहते हैं, जिन लोगों ने मुश्किलात का बयान लोगों के सामने किया, दरअसल उन्होंने अपनी मुश्किलात में इजाफा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहंदी के बारे में, ये मेहंदी तुम्हारे दिलों को पाक करती है, हुस्न में इजाफा करती है और कब्र में तुम्हारी गवाह होगी। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन शजरतिन अहब्बू इलल्लाही मिनल हिना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक दरख्तों में सबसे प्यारा मेहंदी का पौधा है। मेहंदी पर पहले भी मेरे लेक्चर हैं, मैं ये कहूँगा ये वो गुल है कि गुलिस्तान को भी जिस पर नाज है, इसके हर एक बर्ग में दिलगीर पिन्हा राज है। 9 मुजर्रब इलाज बताता हूँ मेहंदी से। नंबर 1, पेशाब की जलन। नंबर 2, औरतों के अयाम की ज्यादती। नंबर 3, पथरी का इलाज मेहंदी से। नंबर चार हाथ पाँव की जलन। नंबर 5, लागरपन दुबलापन। नंबर 6, माइग्रेन। नंबर 7, मुंह के जख्म। नंबर 8, यरकान का मुजर्रब इलाज। नंबर 9, खारिश। तो पहले नंबर पे पेशाब की जलन हो तो इसके लिए मेहंदी का रस बहुत मुफीद है। पेशाब की जलन, पेशाब बूंद बूंद आता हो, पेशाब रुक रुक कर आता हो, मेहंदी का रस इसमें बहुत मुफीद है। 10 ग्राम मेहंदी का रस दूध में डालकर इस्तेमाल कीजिए। अगर मेहंदी का रस ना हो तो मेहंदी का जुशांदा छान कर जो है, यानी 10 ग्राम पत्ते हैं उसको छान लीजिए, जुशांदा बनाइए और इसमें 1 छटांग दूध मिला लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, ख़वातीन में आयाम की ज्यादती, जिनको मेंसेस ज़्यादा आते हों, ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो, तो उनके लिए जो है मेहंदी का रस बहुत मुफीद है, इसमें दूध डाल के इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही मुजर्रब इलाज है। नंबर 3 है पथरी का इलाज मेहंदी से। तो पहले 2 ग्राम जोखार पानी के साथ दीजिए, उसके बाद मेहंदी का रस जो है दूध में मिला कर दीजिए और ये तकरीबन जो है 2 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल को जारी रखना है। यूरिक एसिड की पथरी, ऑक्सेलाइट ऑफ लाइम, फास्फेट ऑफ कैल्शियम, तो सब तरह की पथरी के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 4, हाथ पाँव की जलन में जो है 5 ग्राम मेहंदी का रस दूध के साथ लीजिए तो ये बहुत मुफीद है। नंबर 6 है लागरपन दुबलापन जो है, 3 ग्राम ज़ीरा, 5 ग्राम मेहंदी का रस और 1 छटांग दूध और इसमें 5 ग्राम मिश्री मिला लीजिए तो ये लागरपन दुबलापन के लिए बहुत मुफीद है। माइग्रेन में जो है मेहंदी के फूल ले लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, जमात कीजिए, सर पर लगाइए तो ये बहुत मुफीद है। मुंह के ज़ख्म में जो है मेहंदी की पत्तियां चबाइए तो इससे मुंह के ज़ख्म छाले ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 8 है यरकान में जो है 20 ग्राम मेहंदी लीजिए, यानी मेहंदी के पत्ते लीजिए, मेहंदी का सफूफ नहीं लेना आपने, और 1 छटांग पानी में जुशांदा बनाइए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए, सुबह इसका छान कर खिसांदा पीजिए, शक्कर डालकर, और सिर्फ 2 हफ्ते आपने इस्तेमाल करना है, इससे यरकान का खात्मा होगा। नंबर 9 है खारिश। खारिश में चरैता 3 ग्राम, हरड़ 10 ग्राम, मेहंदी के पत्ते 3 ग्राम और उनाब 10 अदद ले लीजिए। उनाब जो है तो 1 छटांग पानी में डालकर इसका जुशांदा बनाइए, छान लीजिए, मिश्री मिला लीजिए या शक्कर मिला लीजिए तो ये खारिश का बेहतरीन और मुजर्रब इलाज है। 20 रोज़ तक आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह खारिश का खात्मा होगा, खून भी आपका साफ़ होगा।